नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप का ब्लॉग्स ऑफिशियल, हम है रामकलास यादव। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप लोग की गाय भैंस पतला गोबर करने की वजह से अपने दूध को घटा दिया है, दूध को कम कर दिया है, तो ऐसे चुटकियों में दूध को बढ़ा सकते हैं। और पतला गोबर जो कर रही है, मात्र दो दिन में पतला गोबर भी करना बंद हो जाएगा। सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप पशुपालन से वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं अपने, अगर हमारी गाय भैंस अगर पतला गोबर कर रही है, तो अधिकतर इसमें कई कारण होते हैं पतला गोबर करने के। पतला गोबर क्यों करती है, जैसे भी गर्मी का सीजन चल रहा है, अधिक गर्मी पड़ रही है तो भी पतला गोबर कर सकती है, और इस गर्मी के सीजन में आप उसे गर्म खुराक दे रहे हैं तो भी पतला गोबर कर सकती है। जैसे कि देखने को मिलता है, जिससे खल्ली सरसों की हो गई, और भी कई ऐसे फीड भी आते हैं जो आप अगर खिला रहे उनको गर्म कर रहा है, उसके कारण भी देखने को मिलता है। और ये भी देखने को मिलता है, जैसे कि पानी के साथ में उन्हें चारा खिलाना, बहुत ज्यादा पानी डाल देना, उसके बाद चारा डाल देना, दाना डाल देना, ऐसा अगर आप दे रहे हैं तो भी पतला गोबर कर सकती है। और ये भी देखने को मिलता है, जैसे हरा चारा की मात्रा आप ज्यादा दे रहे हैं तो भी वो पतला गोबर कर सकती है, ज्यादा मात्रा दे रहे हैं तो भी। और साथ ही साथ ये भी देखा, जैसे कि कोई गर्म घास हो गई, जैसे कि पथरी घास हो गई, और तमाम ऐसे घास हैं, डबरा घास हो गई, धान के सीजन में आता है, तो जिनकी तासीर गर्म है, ऐसे में आप दे रहे हैं तो भी पतला गोबर कर सकती है। और अधिकतर देखने को मिलता है कि ठंडे के सीजन में भी ये पतला गोबर करती हैं और गर्मी के सीजन में भी करती हैं, तो दोनों सीजन में कोई भी सीजन हो, अगर पतला गोबर कर रही है तो सिर्फ आपको थोड़ा ऐसा दे देना है, देसी है, कोई खर्चा नहीं है, और बहुत ही आसानी से उसका दूध भी बढ़ेगा, उसी से दूध बढ़ेगा और साथ ही साथ उसका पतला गोबर भी बंद हो जाएगा। तो क्या देना है, कैसे देना है, तो आप जानते होंगे शीशम की पत्ती, शीशम की पत्ती आपको देना है, कितनी मात्रा में देना है और कैसे देना है। शीशम की पत्ती क्या है, आपको तोड़कर लाना है, उसको धुल लेना है एक बार। अगर आप वैसे देंगे तो आपको हो सकता है कि पशु गाय भैंस नहीं खाएगी, क्योंकि जब धूल मिट्टी उड़ती रहती है तो उसमें जो है पत्ती के ऊपर मिट्टी का परत जमा रहता है, जिसके कारण जब भी आप भैंस को देंगे, गाय को देंगे, वो नहीं खाएगी, क्योंकि उसमें मिट्टी ऊपर लगी रहती है। तो मिट्टी को आप बरोबर से धुल लीजिए नल के सामने, उसे साफ कर लीजिए, धुल लीजिए, धुलने के बाद पानी छिटक दीजिए, उसके बाद बिल्कुल सफा हो जाता है तो अपने भैंस को या गाय को खिला दीजिए। अगर गाय भैंस को खिलाने की मात्रा की बात करते हैं, मीडियम में अगर आपकी गाय या भैंस है तो लगभग 400 से लेकर 500 ग्राम दे सकते हैं, बहुत भारी भरकम है तो आप उसे 800 ग्राम से लेकर 1 किलो भी दे सकते हैं। ये देसी है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। शीशम की पत्तियां हर जगह पर उपलब्ध होती हैं, हर जगह मिल जाता है, इसका कोई खर्च नहीं, आप बिल्कुल फ्री में अपनी गाय और भैंस को दे सकते हैं। कितना दिन तक देना है, कितना दिन देने की अगर बात किया जाए तो देखिए, जैसे कि आप 3 से 4 दिन सुबह शाम दे दीजिए, लेकिन ध्यान रखना, अगर आप हरा चारा खिला रहे हैं तो उसको हरा चारा 3 से 4 दिन के लिए बंद कर देना है, उसे सूखा चारा मकोल कर दे सकते हैं, और जो गर्म फीड दे रहे हैं, गर्म चीजें खिला रहे हैं, उसको थोड़ा बंद कर दीजिए कुछ दिन के लिए, और हरा चारा भी कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए 3 से 4 दिन के लिए। उसके बाद जो भी आपकी गाय या भैंस पतला गोबर कर रही है और पतला गोबर करने की वजह से दूध को भी घटा दिया है, तो ऐसे में वो दूध को बढ़ाना शुरू कर देगी। शीशम की पत्ती का तासीर काफी ठंडा होता है, अगर गर्मी के सीजन में आपकी गाय भैंस बिल्कुल जो है पतला गोबर कर रही है तो आप शीशम की पत्ती दे सकते हैं। शीशम की पत्ती खिलाने से उसके शरीर में ठंडक रहेगा, तो इससे भी आपकी जो गाय भैंस है इस गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा मात्रा में दूध देना शुरू कर देगी, उसकी जो क्षमता है अपने क्षमता पर दूध देगी, इसमें कोई खर्च नहीं, कोई आपको पैसे नहीं देना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।